अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने कल आपको मक्का, ताइफ से मक्का का सफ़र जो हमने उमरा किया, उसके लिए उसमें हमने आपको बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिखाई। तो मक्का में उमरा के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह आज रात तकरीबन 2:30 बजे मदीना शरीफ पहुँचे और ज़ियारत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आए। तो ये जनाब, हम सुबह सुबह भी उठे हैं और चूँकि सफ़र बहुत हमारा लंबा था, तो उधर से जब हम आए हैं तो रात को हम एक होटल में सोए हैं। फिर उसके बाद हम अभी नाश्ते के लिए जा रहे हैं। तो नाश्ते के लिए एक स्पॉट है, वो हमने ढूंढा हुआ है और वो हमारा स्पॉट, वो हमने पहले भी उसको टेस्ट किया हुआ, एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। ये सारी बसें लगी हुई हैं रात की इधर में, ये होटल में इन्होंने रुका हुआ सबको, ये सारी इधर में। ये जन्नतुल बकी की जो जिधर में अलबेक है, इधर का फेमस जन्नतुल बकी के साथ, तो ये उसके पीछे वाला हिस्सा है। ये इधर में सारी बसें खड़ी होती हैं क्योंकि ये खुली जगह है, और फिर ये जुम्मे के बाद सारी बसें अपने अपने रूट को वापस चली जाती है। तो ये जी जनाब, हम अभी मदीना शरीफ की गलियों में घूम रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम नाश्ते की तलाश में, और इधर से ये वो ओहद का पहाड़ इधर से आपको नज़र आ सकता है, ये वाला ओहद का पहाड़ है सारा, तो ये दूर से भी नज़र आता है। तो ये जनाब, हम अभी नाश्ते की तरफ चलते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। फिर पहले हमने आपको बताया था कि हम नाश्ते के लिए जा रहे हैं सुबह, तो नाश्ते में हमें बहुत टाइम लगा क्योंकि हमारा जो होटल था, पाकिस्तानी एक रेस्टोरेंट था, उसका जो रोगनी नान है और पाया, उसका बहुत फेमस है। तो हम वो ढूंढते एक्चुअली, जब भी आप इन दो जगहों पे आते हैं ना, हरम शरीफ और मक्का और मदीना, इनमें कुछ ना कुछ 3 या 4 महीने बाद कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है, तो समझ ही नहीं लगती कि हमें कौन सी चीज़ किधर है। तो वो उसके आगे या तो कोई होटल नया आ जाता है, नया बन जाता है, या उसकी मेंटेनेंस के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये जनाब, हमें भी नाश्ता करके तो ये हरम शरीफ के पास आए, तो ये भी इधर भी देखे काफ़ी ज़्यादा होटल नए बन रहे हैं। तो ये भी कुछ हाजी लोग सुबह फजर की नमाज पढ़ के ये नाश्ते के लिए जा रहे हैं या कुछ रेस्ट के लिए। फिर ये आज आपको भी पता है जुम्मा, तो ये कुछ जुम्मा की नमाज के लिए फिर आएंगे, फिर फ्रेश हो के फिर जाएंगे। वो कुछ क्रेनें लगी हुई आप सामने देख सकते हैं, वो हरम की तुसी के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहले काम बंद था, अभी फिर काम स्टार्ट हुआ। तो देखें ये कितना आलीशान ये होटल, एक नया इधर बन रहा है, ये इसकी सामने डिटेल भी लिखी हुई है क्या क्या बनेगा इसमें। तो ये देखें कितना बड़े बड़े होटल, अभी ये भी कुछ साल पहले ये वाला होटल नहीं था, ये भी हमने देखा था लेकिन पहले कुछ देर पहले नहीं था, लेकिन इसको भी 5-7 साल लगे हैं, इसको भी या 4 से 5 साल इसको भी लगे हुए बनते हुए। 2016 में हमने इसको देखा था, इसकी इधर में भी एक मोबाइल टावर लगा हुआ था, मोबाइल टावर जो टावर क्रेन है वो इधर में लगी होती थी जब भी हम आते। तो अभी ये भी बन गई। ये जनाब ये पार्किंग के लिए, ये जो अंदर में टनल जा रही है, ये सामने हिस्सा आप देख सकते हैं, ये जन्नतुल बकी है। और मक्का में जैसे हमने आपको बताया था जन्नतुल माला, और इधर में जन्नतुल बकी, और ये लोग अभी जुम्मे के लिए कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ ज़ियारत के लिए वापस आ रहे हैं। तो अभी हम आपको आगे भी जब ज़ियारत के लिए जाएंगे, आपको उसमें भी आपको वीडियोस उसमें भी जाके दिखाएंगे रोज़ा रसूल की। और ये हम जन्नतुल बकी की तरफ से हम एंटर हो रहे हैं इसमें मस्जिद हरम में, और आज जुम्मे का दिन है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ें और कसरत से भेजें दुरूद और पढ़ें आप सल्लम पर सलात व सलाम अलैक या रसूलल्लाह व अलैक व सहाबिक या हबीबल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम अभी हरम में एंटर हो चुके हैं। मस्जिद नबी है, माशाल्लाह देखे गुंबद हज़रा नज़र आ रहा है। तो हम अभी इंशाल्लाह बाब सलाम की तरह से इसके अंदर एंटर होंगे और इस अंदर में हम कोशिश करेंगे आपको यानी ज़्यारत भी करवाएं। ये जनाब एक रूट बने हुए हैं, जुम्मे वाला दिन है इसलिए स्पेशली ये रश से बचने के लिए ये सारी चीज़ें इन्होंने इधर रखी होती। तो ये चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप। ये जनाब सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वा अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वा अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। जी जनाब ये देखें क्लीनिंग कर रहे हैं बंदे, जुम्मे की तैयारी है। ये रियाज़ुल जन्ना वाला हिस्सा भी इसको सफाई कर रहे हैं। ये हमारे भाई क्लीनिंग वाले देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है जुम्मे से पहले। बाद में देखें इधर में कितना रश होता है। ये देखें ये रियाज़ुल जन्ना वाला हिस्सा है। तो ये देखें माशाल्लाह ये इधर में मौलाना साहब हुतमा देते हैं इस एरिया में। और ये देखें ये जनाब देखें पास कर ये जाली हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जनाब अल्लाह पाक हम सबको आप सबको बार बार इस जगह की हाजिरी नसीब फरमाए और हम सब का आना जाना इधर कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा रब्बिल आलमीन। ये जनाब हम अभी बाबुल वकी से बाहर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम फिर कोशिश करते हैं अंदर में आने की क्योंकि सुबह जुम्मे का टाइम तो फिर ये जल्दी में होते हैं। तो फिर हम आते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, जुम्मतुल मुबारक सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये जनाब सब अभी जुम्मा पढ़ लिया गया तो सारे लोग अभी बाहर निकल रहे हैं और माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा हुआ, बादल हो गए अभी। सुबह अभी थोड़े थे लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बादल हो गए और लग तो यही रहा है कि एक आध घंटे बारिश है। तो इतना सब का के लिए जो आए और ज़्यारत के लिए जो आए सब इधर ही आए हुए जुम्मा पढ़ने के लिए। कुछ सिर्फ कुछ लोग को जल्दी है जाने की जो दूसरे एरिया से आए हैं क्योंकि उनके टाइमिंग यही है जुम्मे के फौरन बाद को जाना पड़ता है। कुछ जो ज़ायरीन है जो दूसरे मुल्कों से आते हैं वो थोड़ा वेट करके जाते हैं। ये देखते हैं सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वा अला आलिका वा सहाबिका या हबीबल्लाह।